सबसे बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, रिम्स में ऑक्सीजन की कमी है। ये कहना है सर्जिकल वार्ड में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव महिला मरीज के परिजन करण सिन्हा का। उन्हें अस्पताल कर्मी ने बाहर से ऑक्सीजन लाने को कहा है, साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन भी खरीदने को बोला। बकौल करण, अस्पताल कर्मी ने उन्हें कहा कि यहाँ ऑक्सीजन का फ्लो नहीं है, आप कहीं से एक ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवस्था कर लीजिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी नहीं है, उसे भी खरीदना पड़ेगा। इस विषय पर जब रिम्स डायरेक्टर कामेश्वर प्रसाद को फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। देखिए क्या बता रहे मरीज के परिजन। डॉक्टर ने बोले इनके ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत नीचे चल गया है, तो इनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाइए, यहाँ पर जितना भी ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट नहीं है। ये पेशेंट है, 13 तारीख को भर्ती हुई थी रिम्स में, 13-15 तारीख को ही इनका पॉजिटिव निकला। पहले ये मेडिसिन वार्ड में शिफ्ट थी डॉक्टर सीबी शर्मा के अंडर, फिर अभी ये सर्जिकल वार्ड आईसीयू में आ गई है। यहाँ पर हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, पेशेंट का सैचुरेशन डाउन हो रहा है। अभी जाकर के एक बहुत मुश्किल से एक मशीन मिला है, लेकिन इसका भी कनेक्टर, फिर बहुत सारे मशीन रखे हुए हैं लेकिन इसका भी कनेक्टर कहीं नहीं मिल रहा है। ये है ये पेशेंट की हालत है, और जब जब बहुत बात बिगड़ने लगता है तब यहाँ पर कुछ होता है। मेरा नाम करण सिन्हा है।